लोगों को नींद में खर्राटे आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में यही खर्राटे दो पड़ोसियों में विवाद की वजह बन गए। मामले ने तूल पकड़ा तो बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस दोनों पड़ोसियों को आधी रात थाने ले गई और विवाद करने पर कार्रवाई करने की हिदायत देकर छोड़ा। दरअसल शिकायतकर्ता नोनी बर्मन ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसका पड़ोसी अक्षय मिस्त्री सोते समय जोर जोर से खर्राटे ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हो रही है। पुलिस भी पहुंच गई और शिकायत के आधार पर और नींद में सोए व्यक्ति को उठाकर थाने ले गई। देर रात दोनों ही पक्षों को समझा बुझाने के बाद घर भेजा गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। मैं रात को अपने काम बंद करके 11 बजे करीब अपने घर पे आया और उसके बाद जो सामने मेरा पड़ोसी है उन्होंने कंप्लेन की कि मैं खर्राटे लेता हूँ, ये सब के चक्कर में मुझे पुलिस कल रात को लेके चले गई। समझो तो सर, अब मैं खर्राटे लेना अगर दिक्कत है तो बताइए। मैं अपने रात को सो रहा हूँ, काम करके आके मैं सोते ही जैसे ही सो रहा हूँ तो मुझे थोड़ा पता चल रहा है कि मैं खर्राटे ले रहा हूँ, तो आपस जो सामने पड़ोसी है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे से। तो 112 डायल पर हमें सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक आदमी ने आरोप लगाया था कि उसके जो पड़ोसी उसके द्वारा जोर जोर से खर्राटे लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम हर 112 सूचना को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, तो और हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारी पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर ये पाया गया कि वहाँ पर दो पक्ष थे जिनके आपस में बीच लड़ाई चल रही थी और गाली गलौज कर रहे थे। जब उनसे उप सूचना के बारे में जानकारी दी गई तो ये पता चला, क्योंकि उनका मन मुटाव आपस में रहता है, तो उनके द्वारा एक गलत सूचना दी गई। पुलिस कर्मियों ने मौके पर जाकर जो दोनों पक्ष थे उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको थाने में लाया गया और उसके खिलाफ उपबीट सूचना दर्ज की गई, जिसकी जाँच एक ASI द्वारा की जा रही है।